গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় শুল্ক বিভাগৰ বৃহত অভিযান বৰাগৰ এটা কুৰিয়াৰ সার্ভিস প্ৰতিষ্ঠানতে অভিযান চলোৱা হয়। অভিযানত শুল্ক বিভাগৰ এন্টি স্মাগলিং ইউনিট ডিপি ওয়ার্ড লজিষ্টিক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানতে অভিযান চলায়। জব্দ কৰা হয় 30,79,000 টকাৰ বিদেশী সিগারেট। সুবুৰিয়া ম্যানমাৰৰ পৰা সৰবৰাহ বিদেশী সিগারেটখিনি কৌশলীৰে গুৱাহাটী হৈ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা। জব্দ কৰা হয় দুটা আলমিৰা, এটা ওয়াশিং মেচিন, দুটা ফ্ৰিজ। জব্দাকৃত সামগ্ৰীসমূহ শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কুৰিয়াৰ যোগে পঠিয়াইছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে। तो वो सब डिटेल्स आप तो गए ही हैं, प्रिवेंटिव वाले उन्होंने दिया होगा, तो जो डाटा होगा तो वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। हम लोगों ने इसलिए आपसे ये सब चीज़ें शेयर करना की ज़रूरत समझी, क्योंकि इस बार ये मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुई है। इससे पहले भी सिगरेट के हमने ह्यूज सीजर किए, काफ़ी बड़े डोंगर सीजर। तो उसमें क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट होता था, कार्टून से आया, सिगरेट रखा और उसको वो लोग स्मगल करने की कोशिश करता था। दिस टाइम व्हाट दे डिड कि लाइक कि रेफ्रिजरेटर, आप लोगों ने देखा भी होगा कि रेफ्रिजरेटर है, अब हाउस होल्ड सामान है, आप या हम या कॉमन मैन कोई भी होगा, दूसरी एजेंसी भी होंगी, उनको लगेगा घर का सामान लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि रेफ्रिजरेटर के अंदर पूरा सिगरेट भर दिया, अलमीरा के अंदर पूरा सिगरेट भर दिया, वॉशिंग मशीन के अंदर सिगरेट भर दिया फॉरेन ओरिजिन। तो ये एक नए तरह की मॉडस ऑपरेंडी थी। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन भी अच्छा है कि आपने कितने लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल ये एक, मतलब आप लोग के माध्यम से मैं जागरूक भी करना चाहूँगा अखुमिया मानो को कि ये कोरियर के द्वारा आ रहा था। तो कोरियर से आने में क्या होता है कि इसमें तो जिसने बुकिंग कर दिया, जो इसका जहाँ से ये बुकिंग हुई है वहाँ से कोई आदमी बुकिंग कर दिया, बुकिंग के बाद सामान चलाया, किसी की जिम्मेदारी नहीं, कोई अरेस्ट होने का रिस्क नहीं, पकड़े जाने का खतरा नहीं। और दूसरा, कोरियर वाला जो आइटम होता है, जो रेपुटेटेड कोरियर ब्रांड्स हैं, उनको कोई चेक भी नहीं करता है। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता फैलानी थी कि लोगों को पता चले।